मैं डॉक्टर गैब्रियल खान विषय आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय। हमारा जो आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून या विधि का सबसे सुदृढ़ आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून या विधि का सबसे सुदृढ़ आधार है राज्यों की परस्पर एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता, राज्यों की परस्पर एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता सबसे सुदृढ़ आधार है, राज्यों की परस्पर एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता, एक दूसरे पर निर्भरता, आत्मनिर्भरता। वैज्ञानिक आविष्कार, संदेश वाहन यंत्रों तथा आवागमन के साधनों के कारण, किसके कारण? वैज्ञानिक आविष्कारों, संदेश वाहक यंत्रों तथा आवागमन के साधनों के कारण एक दूसरे कई देश कारण कई देश हजारों मील दूर होते हुए भी एक दूसरे के निकट संपर्क में आ गए हैं। हजारों मील दूर है लेकिन एक दूसरे के निकट आ गए हैं, मानो अब ऐसा लगता है कि उनके बीच कोई दूरी ही नहीं है, इतने निकट आ गए कि उनके बीच कोई दूरी ही नहीं है। अब राज्य स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के स्थान पर एक दूसरे पर आश्रित हो गए हैं, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के स्थान पर एक दूसरे पर आश्रित हो गए, एक दूसरे पर आश्रय करने लगे, एक दूसरे पर आश्रित हो गए हैं। राज्यों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान आज के विश्व की विशेषता बन गई है। क्या विशेषता बन गई है? कि हर प्रकार के आदान प्रदान करेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, व्यावसायिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई सा भी हो, उसका आदान प्रदान आज भी विश्व की विशेषता बन गई है। विश्व की विशेषता है आदान प्रदान करना। राज्यों के इस पारस्परिक आदान प्रदान, जो ये आदान प्रदान हो रहा है पारस्परिक, इस पारस्परिक आदान प्रदान की अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियमित किया जाता, इसको किसके द्वारा नियमित किया जाता? अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियमित किया जाता। ये जो आपस के जो आदान प्रदान है इसको अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियमित किया जाता है, विधि द्वारा नियमित किया जाता है, रेगुलराइज किया जाता है। आज विभिन्न राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन आवश्यक मानते हैं, विभिन्न प्रकार के राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन आवश्यक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना आवश्यक है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन क्यों करते हैं? अब एक प्रश्न आता है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन क्यों करते हैं, क्यों अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए को आवश्यक मानते हैं, क्यों क्यों करते हैं? इस विषय में, ये जो विषय है कि क्यों करते हैं, इस विषय में विधि शास्त्रियों ने दो प्रकार के सिद्धांतों की रचना की है। विधि शास्त्रियों ने दो प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, पहला मूल अधिकार का सिद्धांत और दूसरा सहमति सिद्धांत। मूल अधिकार का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सहमति सिद्धांत कंसेंट थ्योरी, सहमति सिद्धांत कंसेंट थ्योरी। तो हम सबसे पहला करेंगे मूल अधिकारों का सिद्धांत। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया, अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, इसका आधार क्या है? राज्यों के पारस्परिक एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहते हैं राज्य, तो ये उनका आधार है। वैज्ञानिक आविष्कारों, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, संदेश वाहक यंत्र आ गए हैं, आवागमन के साधन आ गए हैं, इन्होंने हजारों मील दूर जो राज्य थे उनको एक दूसरे के निकट ला के रख दिया, उनको एक दूसरे के निकट आ गए हैं। अब राज्य स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के स्थान पर एक दूसरे पर आश्रित हो गए हैं, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के स्थान पर एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, एक दूसरे पर आश्रित हो गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा इन्हें नियमित किया जाता है। जो राज्यों का आपसी आदान प्रदान है उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियमित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि उनको नियमित करती है, रेगुलराइज करती है। आज विभिन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए पालन करने को आवश्यक मानते हैं, पालन करने के लिए कहते हैं कि आवश्यक है, इसका पालन किया जाना चाहिए। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन क्यों करते हैं, इसके लिए विधि शास्त्रियों ने दो प्रकार के सिद्धांतों की रचना की है। पहला है मूल अधिकारों का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दूसरा है सहमति सिद्धांत, कंसेंट थ्योरी। कंसेंट थ्योरी तो हम पहला लेंगे, मूल अधिकारों का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार, ये जो मूल अधिकारों का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का आधार सामाजिक समझौता सिद्धांत की प्राकृतिक अवस्था की मान्यता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत की प्राकृतिक अवस्था की मान्यता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत उसकी प्राकृतिक अवस्था की मान्यता है। इसके अनुसार ये जो सिद्धांत है, कौन सा, मूल अधिकारों का सिद्धांत, इसके अनुसार राज्यों के कुछ मौलिक अधिकार हैं, राज्यों के कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनको वह सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको वह सुरक्षित रखना चाहते हैं। इन मूल अधिकारों में क्या क्या है, इन मूल अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा है। स्वतंत्रता, समानता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा है, ये कुछ मूल अधिकार हैं जो राज्य चाहते हैं कि उनके साथ रहे, कुछ राज्यों के मूल अधिकार हैं। इन अधिकारों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जो अधिकार है, इन अधिकारों, कौन कौन से अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा, इन अधिकारों के अस्तित्व को बनाए रखने की प्रबल इच्छा के फलस्वरूप ही राष्ट्रों के बीच कानून का जन्म होता है। इन जो अधिकार हैं इनको, इनके अस्तित्व को बनाने के लिए ही, इनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही राज्यों के बीच कानून का जन्म होता है। राज्यों के बीच कानून जन्मता है, राज्यों के बीच कानून का जन्म होता है। जब राष्ट्रों में पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो दूसरी आवश्यकता है, इस संबंध को सुनिश्चित करने एवं सुनिश्चित करने एवं सुस्पष्ट नियमों द्वारा नियंत्रित रखने की होती है, जब ये संबंध स्थापित हो जाते हैं तो नियमित रखने की होती है। जब एक राज्य को अपने मूल अधिकार को, जब एक राज्य चाहता है कि उसका मूल अधिकार, जब एक राज्य को अपने मूल अधिकार को बनाए रखने की इच्छा हुई, अपने मूल अधिकार को बनाए रखने की इच्छा होती है, तो साथ ही उसका यह कर्तव्य भी हो जाता है। तो उसका क्या कर्तव्य हो जाता है, यदि वह अपने मूल अधिकार को बनाए रखना चाहता है तो उसका यह कर्तव्य भी हो जाता है कि वह अन्य राष्ट्रों के मूल अधिकारों को मान्यता प्रदान करे, अन्य राष्ट्रों के जो मूल अधिकार है उनको मान्यता प्रदान करे। यदि उसको अपने मूल अधिकारों को बनाए रखने की इच्छा है तो उसे दूसरे राष्ट्रों के मूल अधिकारों को मान्यता प्रदान करनी पड़ेगी, मान्यता देनी पड़ेगी। अतः अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों का दूसरा नाम ही अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून है। अतः अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों का ही दूसरा नाम, अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों का ही दूसरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो ये पहला पॉइंट था मूल अधिकारों के सिद्धांत। मूल अधिकारों के सिद्धांत में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को मान्यता दी गई है, उसकी प्राकृतिक अवस्था को मान्यता दी गई है। इसके अनुसार राज्यों के कुछ मौलिक अधिकार हैं जिन्हें वे सुरक्षित रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। इन मूल अधिकारों में
कौन कौन सी हैं? ये जो मूल अधिकार है इनमें स्वतंत्रता, समानता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा है। स्वतंत्रता, समानता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा है। इन अधिकारों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, यदि इन अधिकारों का अस्तित्व बनाए रखना है, इन अधिकारों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रों के बीच कानून का जन्म होता है। अस्तित्व बनाए रखने के लिए कानून का जन्म होता है। अस्तित्व बनाए रखना इसलिए कानून का जन्म होता है। जब राष्ट्रों में पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, जब राष्ट्र आपस में पारस्परिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो दूसरी आवश्यकता क्या हो जाती है कि इन जो ये जो पारस्परिक संबंध हो गए, इनके लिए स्पष्ट नियमों के द्वारा नियंत्रित किया जा सके, स्पष्ट नियम आए जो इन्हें नियंत्रित किए कर सके, ऐसे नियम जो इन्हें नियंत्रित कर सके। जब एक राज्य अपने मूल अधिकार को बनाए रखने की इच्छा रखता है, जब एक राज्य अपने मूल अधिकार को बनाए रखने की इच्छा रखता है, तो उसका यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह दूसरे के मूल अधिकारों को मान्यता प्रदान करे। दूसरे राष्ट्र जो हैं उनके मूल अधिकारों को मान्यता प्रदान करे। यदि उसे अपने मूल अधिकारों को बनाए रखने की इच्छा है, तो दूसरे के राज्य के जो मूल कर उसका कर्तव्य है कि दूसरे राज्य के जो मूल अधिकार है उन्हें मान्यता प्रदान करे, उन्हें मान्यता दे। अतः अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों का दूसरा नाम ही अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों का दूसरा नाम ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून है। ये था पहला पॉइंट, मूल अधिकारों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आज हमने किया अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार, क्या आधार है कानून का? कानून का आधार सबसे बड़ा है राज्यों के पारस्परिक संबंध। राज्य जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर हो गए, राज्यों की आत्मनिर्भरता सबसे प्रमुख आधार है, राज्यों की आत्मनिर्भरता। क्योंकि राज्य अब स्वावलंबी और आत्मनिर्भर ना होकर एक दूसरे पर आश्रित हो गए, एक दूसरे पर आश्रित हो गए, इसलिए सबसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रमुख आधार है वह है राज्यों की परस्पर एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता, राज्यों की परस्पर एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता। अब ये आता क्वेश्चन कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन क्यों करते हैं? इसके लिए दो सिद्धांत हमारे सामने आए, पहला है मूल अधिकारों का सिद्धांत और दूसरा है सहमति सिद्धांत। मूल अधिकारों का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सहमति सिद्धांत कंसेंट थ्योरी। तो आज हमने किया मूल अधिकारों का सिद्धांत। मूल अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौते की प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत है। ये कहता है कि यदि एक राज्य को अपने मूल अधिकारों को सुरक्षित रखना है, अपने मूल अधिकारों को बनाए रखना है, तो उसका ये कर्तव्य है कि वे दूसरे राज्य के मूल अधिकारों को मान्यता प्रदान करे। यदि वह दूसरे राज्य के मूल अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, तभी वह अपने राज्य के मूल अधिकारों को बनाए रख सकता है। और यही जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्तव्य हैं, इनका दूसरा नाम ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून है। कल हम करेंगे मूल अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना, फिर सहमति सिद्धांत और उसकी आलोचना।